श्री गणेशा नमः। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य पंकज शास्त्री। आप सभी भाइयों का, बंधुओं का मैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद ऐसे ही मुझे देते रहें। आपका जो आशीर्वाद है मुझे बल देता है, आपका जो स्नेह है मुझे बल देता है, आपका जो प्रेम है मुझे बल देता है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो हमारा विषय है, विषय वो जो आप हमें बताते हैं। जो आज का प्रिय दर्शकों विषय है वो है वास्तु के ऊपर। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका कारोबार, उसका भवन, उसका घर जहां पर वो रहता है उससे उसको जो ऊर्जा है, उससे उसको जो शुभ तरंगे हैं उसके जीवन में हमेशा उसका जीवन उज्जवल बना रहे, उसके घर में सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, भगवती लक्ष्मी का पराम्भा की कृपा रहे, कुबेर भगवान सदैव धन की वर्षा करते रहे, उसका व्यापार अच्छा चले, उसकी नौकरी अच्छी चले, उसके बच्चे अच्छी स्टडी करें, यशमान कीर्ति उसको मिले। प्रिय दर्शकों, ये सारी चीजें हमें जहां पर भी हम रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी स्थान में रहते हैं, वो स्थान हमारा पवित्र हो। वो पवित्र कैसे होगा? वो जो स्थान का संबंध है वो वास्तु के साथ है, वास्तु भगवान के साथ है। वास्तु क्या है, वास्तु भगवान क्या है? क्यों लोग आज कल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए? क्या उनको पहले जानकारी नहीं थी? प्रिय दर्शकों, वास्तु कोई आजकल विषय नहीं है। वास्तु बहुत पुरानी, पुरातन हमारी विद्या है जो हमारी ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया है। वेद शास्त्रों में हम देखते हैं ना कि पुराने मंदिरों में, पुराने भवनों में आज भी भारत में विराजमान है। आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, आप पश्चिम की तरफ चले जाइए, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए जहां पर पुरातन सभ्यताएं हैं, पुरानी चीजें हैं, बहुत पुराने भवन बने हुए हैं, वो भी जो हजारों सालों से खड़े हैं, वो वास्तु से ही संबंध रखते हैं। उनके ऊपर हम कलाकृतियां देखते हैं ना कि पुरानी कलाकृतियां बनी हुई हैं, वो कलाकृतियां प्रिय दर्शकों किसी मशीनों से नहीं बनी। हजारों साल पहले मशीनें नहीं थी, हजारों साल पहले कोई औजार नहीं थे, वो हाथ से निर्मित की गई हैं, वो हाथ से उनका निर्माण किया गया है। और उनका निर्माण करते हुए वास्तु का बहुत ध्यान रखा गया है। वास्तु का ध्यान इसीलिए कि हमें वहां से जो भी ऊर्जा है अच्छी मिलती रहे। प्रिय दर्शकों, वास्तु का संबंध जैसे स्थान के साथ है और मुख्य वास्तु का जो संबंध है वो दिशाओं के साथ है। दिशाओं का जो संबंध स्थान के ऊपर पड़ता है तब ही वास्तु का निर्माण होता है। दिशाएं हमें पता है कि चार हैं, चार दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से चार और दिशाएं बनी, जो इन चार दिशाओं से चार दिशाएं बनी, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण। चार से चार बनी ये होगी आठ, और आकाश और पाताल, पाताल नीचे आकाश ऊपर, ये दसों दो को मिला के दस दिशाएं होगी। और दसों दिशाओं से हमें शुभ ऊर्जा मिलती रहे, शुभ वस्तुओं का हमारे जीवन पर प्रभाव रहे। देखिए प्रिय दर्शकों, देश काल परिस्थिति हमारे जीवन पर बहुत अधिक असर करती है। स्थान वही होता है। वास्तु के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं तो एक बात आपको बताता हूं, किसी
जानकार के, हमारे कोई जानकार थे, उन्होंने भवन का निर्माण किया, काफी अच्छा उन्होंने घर बनाया और सौभाग्य से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे और मेरे को उनके घर पर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने वास्तु से संबंधित कोई भी वहां पर कार्य नहीं किया था। उस भवन निर्माण के बाद ही मेरे साथ उनका जुड़ना हुआ। एक डेढ़ साल के बाद उनके साथ जब मेरा परिचय हुआ, मेरे से मिलना हुआ, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, कहते शास्त्री जी आपको घर पर हमने लेकर के चलना है। तो मैंने उनको पूछा भी क्या आपको परेशानी है, क्या दिक्कत क्या है। तो उन्होंने मेरे से बात की कि हमारे घर पर हमारा संयुक्त परिवार रहता है, हम सारे बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, परंतु हमारे घर का एक एरिया है, एक रूम है, जब हमारे कोई भी परिवार का सदस्य उस रूम में जाता है तो पता नहीं क्या होता है कि वो अस्वस्थ हो जाता है, उसका मन घबराता है उस कमरे में जाने से। हमने तो बहुत पैसे लगा करके घर बनाया, उस कमरे को भी, उस रूम को भी बहुत सुंदर बनाया, परंतु कोई भी बच्चा, कोई भी मैं, मेरा परिवार का सदस्य उस कमरे में जाता है तो हमें एक जो भाव है वो अच्छे नहीं मिलते, हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा उनके घर पर जाना हुआ। प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये वास्तु से संबंधित कार्यक्रम है तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर। तो मैं जब उनके घर पर गया, मैंने उनके घर पर जो भी देखा, घूमा, मैंने देखा कि उस जो रूम से संबंधित वो बात कर रहे थे, मैं उस रूम में भी गया। और जब मैं गया उस रूम में, वहां पर मेरे को कुछ जो चीजें थी कुछ दिखा, वो अच्छा नहीं दिखा, वहां पर कुछ दोष नजर आए। वो दोष क्या थे? वास्तु से संबंधित। तो मैं समझ गया कि इनके घर पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तब प्रिय दर्शकों, मैंने उनको इस चीज का हल बताया, उपाय बताया, जो भी हमने वहां पर उनका निवारण के लिए कुछ उनको सुझाव दिए और उन्होंने किए। आज वही व्यक्ति हैं, वही घर है, वही रूम है, वही परिवार है, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों से वास्तु, हमने घर बनाना है, हमने भूमि लेनी है, हमने व्यापार करना है, तो क्यों ना हम वास्तु से संबंधित ही दिशा को, हमारी जन्म कुंडली से हमें कौन सी दिशा में व्यापार करना चाहिए, कौन सी दिशा में हमें घर बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहले के लोग तो दिशा देखकर यात्रा करते थे कि आज कौन सा दिन चल रहा है और आज हमने कौन सी दिशा की ओर यात्रा करनी है, क्या हमारे लिए शुभ रहेगी, और क्या करें, दुर्भाग्यवश हम उस चीजों को, हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे जो विद्याओं को हम छोड़ते ऐसे चले गए और हमारे जीवन को हमने दुख में ही बना दिया। आपको मैंने दसों दिशाओं के बारे में बताया, कौन सी दिशा में, अब आगे बताएंगे कि कौन सी दिशा आपके लिए कैसे शुभ फल प्रदान करती है आपको, और कौन सी दिशा में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी दिशा में करने से आपके घर में समृद्धि आएगी, आपकी जन्म कुंडली में आपके लिए कौन सी दिशा में भवन निर्माण करना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली में आप फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं तो आपको कौन सा कंट्री में जाना चाहिए ताकि आपको अच्छा एक जीवन, भविष्य आपका उज्जवल रहे। आपको घर बनाना चाहिए और उसमें कौन सा रूम बनाना चाहिए जो आपके बच्चों के लिए अच्छा हो, बच्चों के लिए कौन सा दिशा में उनको स्टडी करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आज तो केवल आपको वास्तु से संबंधित आपको मैंने कुछ चीजों की जानकारी दी ताकि आप कुछ समझ सकें, इसके प्रभाव से, इसकी जो प्रभाव है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए।
यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके घर में वास्तु से संबंधित कोई भी दोष है या कोई ना कोई परेशानी चल रही है, आप घर पर आपको कोई जगह ली आपको नहीं वो अच्छी बैठ रही, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अथवा वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए अवश्य जानकारी प्राप्त करें। मेरे नीचे दिए नंबर पर भी आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन का निर्माण होता है, हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। दिशाएं तो सभी ईश्वर ने बनाई हैं, हमने तो बनाई नहीं, लेकिन इनका महत्व हर व्यक्ति के जीवन पर क्यों अलग अलग पड़ता है, उसका कारण है ना। हमें तो प्रश्न लोग कर देते हैं कि शास्त्री जी दिशाएं तो सब ईश्वर ने बनाई हैं, हम नहीं समझते कि वास्तु का ये है। तो वास्तु का क्यों नहीं है भाई, क्यों हर दिशा हर किसी के लिए सूटेबल नहीं रहती, हर स्थान हर किसी को फिट नहीं बैठता। वो वास्तु से उसके जीवन पर आधार है। तो ज्यादा ना समय लेता हुआ प्रिय दर्शकों, आपको जो जानकारी दी आशा करता हूं कि वो जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी और सिद्ध साबित होगी। आप अपनी जन्म कुंडली का अथवा वास्तु से संबंधित परेशानियों के निवारण के लिए आप मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, समय का अभाव होने के कारण आपके समक्ष मैं पुनः प्रस्तुत हूंगा एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। आप अपना और परिवार का सदस्यों का ध्यान रखें। नमस्कार।